हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पे। और जैसे देख सकते हैं, अभी हम लोग ट्रेन में हैं और बोकारो से निकल चुके हैं और जा रहे हैं रांची की ओर। तो इस सफ़र में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला, बहुत से नई जगह देखने को मिले। जैसे कि होता है ना, ज़्यादातर हम जितना बार ट्रेन से ट्रेवल किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रात में ट्रेवल, क्योंकि रात से ट्रेन कितना 6 बजे के आसपास निकलता है दुमका से और रांची सुबह पहुँचती है। तो ये होता ना, ज़्यादा कोई देखे नहीं है, लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, कि अभी जब दिन में जा रहे हैं बोकारो से रांची, तो होता ना बहुत कुछ जो अनजान है, बहुत कुछ नहीं देखे हैं और वही सब मतलब कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वही लग रहा है। जैसे कि होता ना, किसको पता था कि दुमका से लेकर रांची वाला रास्ता में इतना अच्छा व्यू आता है, इतने अच्छे अच्छे पहाड़, इतना सुंदर सुंदर व्यू। मतलब यार देखो यार, सही मतलब कि ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, कभी लगा हमको, कभी ज़िंदगी में नहीं लगा था कि यार पहाड़ वहाड़ भी होगा। हम बोला हाँ सर, प्लेन रास्ता होगा या फिर जंगल वंगल हो सकता है, लेकिन भाई सोच के देखो, मतलब अनएक्सपेक्टेड ना, कि भाई पहाड़ भाई कहाँ से आ गया, पहली बार देख रहे हो। वाह, वो भी पहाड़ भी देखो कितना मस्त दिख रहा है, वैसे कितना मस्त लग रहा पहाड़। मतलब सोच के देखो कि पहाड़ ऐसे पहाड़ दुमका में तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन होता ना दुमका में आपको ऐसे पहाड़ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप जैसे देख रहे थे, ये रांची जा रहे हैं, रांची पहुँचे नहीं है, रांची को पहुँचने से पहले 2 स्टेशन से पहले आपको ये सब व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन रात में जब नहीं दिखेगा, मतलब कि रात में ना के बरा, क्योंकि रात में यार सोच सकते हो, पूरा अंधेरा रहता है ना, कहाँ से देखने को मिलेगा ये सब। तो अब दिन में जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है, जूम करके देखते हैं कैसे दिख रहा है, लेकिन सेम वाकई में बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है सेम। हम तो ये दुआ करेंगे भाई, एक बार दिन में आओ, दिन में ट्रैवल करके देखो एक बार, आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। ट्रेन में उछल कूद करते हो, बच्चे लोग को देख लो, आपको इस चीज़ रात में देखने को मिलेगा ना के बराबर। और यार इस ब्रिज में चलता हूँ ट्रेन में, तो देखो यार सही में कितना ही प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सही में, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। लेकिन एक होता है ना, अच्छा लगा कि आए, इस सफ़र का एक हिस्सा बने, अच्छा लगा, क्योंकि बार बार ऐसे मौका नहीं मिलता है कि दिन में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रात ही को आने का चांसेस रहता है, क्योंकि दिन में तो आपको कोई ट्रेन मिलते नहीं है। एक बात वाकई में बहुत अच्छा लगा कि गांव से होते होते शहर का पहुंच गए, पता ही नहीं चला, पता है बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया। जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ रहे, बोकारो बाग पहुँच गए, रांची। रांची का स्टेशन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और बड़ा है ओला गाड़ी है, देखो ओला गाड़ी है, ओला से अपन जाएंगे, समझा, वापस धनबाद रांची, धनबाद रांची दुमका वो वाला है। हाँ, पता है ना कौन सा बुक में जाकर बैठना है, हाँ भाई वहाँ पर सेकंड क्लास आगे, जैसे पी के उतर रहे दिमाग का। तो गाइस, एक्सपेक्टेड हम लोग रांची पहुँच चुके हैं। ओ यार, बड़े लेट से नहीं पहुँचे, अभी यही रांची है वे, वो देख लग नहीं रहा है, अच्छा रांची ही है, देखो तो रांची ही है। पहले के मामले शायद अभी जैसे देख के लग रहा है, इतना भीड़ तो है नहीं, या फिर दिन का ट्रेन है ना, इतना कोई आता नहीं दिन में शायद, इसलिए खाली लग रहा होगा। इसका टाइम 9 बजे है ना, तो फिर यही बोला है ना रे, हम आधा घंटा पहले आ जाएंगे। हमें तो डाउट हो रहा है, यही बता कि कौन सा होता है, तो उसका बंद क्या कर दिया इसको, देख लो यार। रांची का स्टेशन कुछ यूँ लगता है, एकदम बड़ा सा है, ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन तो लाइन वाला कैसे दिख रहा, मस्त आता, देखो इसको बोलते हैं क्या, उसे नियम पालन क्या बोलते हैं, रूल एंड रेगुलेशन। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये है रांची स्टेशन का फ्रंट साइड, जैसे देख सकते हैं। अब यार रांची तो पहुंच गए, लेकिन दिमाग ख़राब, यहाँ खाने को कहाँ मिला, क्योंकि ऐसे कुछ होटल तो दिख नहीं रहा, जैसे होता है ना यार मिड रेंज वाला, यार गरीब आदमी है, छोटा सा डब्बा में लेके चल जाओ, यहाँ पर 50-60 या फिर 30-40 में खाना मिल जाए, क्योंकि ऐसे बड़ा रेस्टोरेंट में नहीं जाना, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ कम से कम कितना, अरे पड़ जाएगा यार, कम से कम 100 से ऊपर ही एकदम बजट भागेगा, खाने पीने का फिर क्या क्या जो होता है सब कुछ मिला के। तो ढूंढ रहे हैं ऐसे कोई छोटा होता ना, छोटा मोटा होटल टाइप का खाने के लिए। जो रास्ता में ऑटो सब लाइन बाय लाइन नहीं खड़ा हुआ था, तो उसी रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि
उधर में एक दोस्त बताया था, उधर मैं होता है ना दीवार के साइड में, मतलब कि दीवार के पास। तो यार जो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं आपको वही रास्ते में आना होगा, क्योंकि ये जो दीवार देख ना, ये स्टेशन का दीवार मतलब होता है ना बाउंड्री टाइप का है, तो इसी में आपको मिलेगा अटैच मतलब होटल टाइप का है, छोटा मोटा होटल है, दोनों साइड में मिलता है, इस साइड में मिलेगा और उसका दूसरा साइड में मिलेगा, तो जाकर वहाँ खा सकते हैं। मतलब कोई अमीर घर का ले, अबे अमीर लोग के लिए अबे अमीर लोग के होटल। तो हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बड़े सस्ता में मिल रहा, मतलब कैसे बताएंगे, 40 रुपया पर प्लेट, ठीक है, अच्छा सब्जी है, खा लो, अच्छा रहेगा। रात में से कुछ यूँ लगता है रांची स्टेशन, कैसा लगता है भाई, जगमगा बिंदास, खाली बिंदास, ऐसा कुछ बोलना आता है, बहुत क्या आता है, ऑसम, अरे 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 बड़ी दुविधा, हम लोग यहाँ बहू जाना था ना। अरे यार कोई अगर राजे से तो बता दो यार सेम है कि बहू बाजार, वही ना नाम क्या बोलते हैं, बहू बाजार ना, हाँ बता दे रहे, बहू बाजार कहाँ पर है, खो गए जगह का नाम पता नहीं कहाँ, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं जाना, अरे नहीं कहीं नहीं, ऐसे भटक रहे चाचा, ना 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 दुमका 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 चले गए क्या, पाग दिवा कर या खुद का ठिकाना भरोसा नहीं दिमाग खराब, कहाँ जाएंगे, कहाँ ले कहाँ छोड़ देगा पता नहीं, यहाँ का भीमार तो बहुत चमक रहा है, पता नहीं कहाँ, अब इसे देखो ना यहाँ का भीमार मस्त लग रहा है दुमका का अगर तुलना में देखे तो, बोले थे लड़ाई जो भी वो कंपनी, अबे यहाँ और भी है देखो क्या, कौन सी कंपनी, NPS पता नहीं सप्लाई कर रहा है, हो सकता है, चलो ना शॉपिंग करके आते हैं, अबे 399 में चलो, हम लोग 400 मान के चल रहे हैं, अरे ठीक है आते हैं, हम घुस जाएंगे, लेकिन ढूंढना होगा कि इंडियन टायर कहाँ थी, दुकान कहाँ है, टायर वगैरह ले जाना है, नहीं बे यहाँ पता नहीं क्या, जब बच्चों चिल्ला रहा है कुछ लेके आओ स्टिकर, स्टिकर कौन सा वाला 50-60 वाला, नहीं मिलेगा बता रहे हैं, वापस वापस आएंगे तो घूमेंगे तो घूल लेंगे फिर चल देंगे वापस, नहीं मिला अच्छा रहेगा, अब वही अच्छा है ना, फिर लौटा उसको कॉल करे, कॉल ऐसे भी नहीं करा बच्चों को, अरे लौटता दुकान पर दर दुकान। तो यार जैसे देख सकते हो ना बहु बाजार चौक छत पहुँच चुके हैं, लेकिन जो बगलों के लिए सामान लेना था वो बगलों तो कॉल रिसीव कर नहीं रहा है, तो सोच रहे क्या करें, अरे वहाँ बडवाइजर पे लौटा, देखो बडवाइजर कैन वाला बडवाइजर पे, अब इंडियन टायर से थो ना बोलेगा कि बोलने से मिल जाएगा, ढूंढना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, अब देखो ना कहीं बड़ा सा वैसे बना है क्या लड़ा यहाँ पर, बेंच समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर पुल बना रहा है, ओवरब्रिज, सही है यहाँ का विकास हो रहा, पता नहीं लड़ा दुमका का विकास होगा, नहीं ना बे सोचने वाली बात है, अबे यार किधर बोला था वो भैया, बड़े इधर वो नहीं पता था, किधर बोला, चौक में आगे तरफ जाओ, इधर रखो देखने दो, पहले बार इधर नहीं, उधर उधर ही, उधर पता पूछ रहा बाहर हो, भागो लौड़ा क्या करेंगे, मैं अब मुझे खुद लग रहा है भाई ताप के नहीं चल रहा दिमाग खराब, कहाँ पे इंडियन डायर थोड़ा मिल ही तो नहीं रहा है, बोला इधर मैं कोई, रात में देखा कितना मस्त जगमगा रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं लगता है कि आज का खोजबीन ये ख़त्म करना होगा, क्योंकि ना तो दोस्त को उठा रहा है ना तो हमको पता है कि वो दुकान कहाँ पर है, और हमसे और नहीं चला जा रहा सेम है, क्योंकि ये तो खाए कुछ देर पहले खाए हैं और ज़्यादा भी नहीं खाएँ, थोड़ा सा खाएँ, तो अब यही वापस लौटें, क्योंकि हम लोग ट्रेन 9 बजे जैसा है, और अगर वो छूट गया तो फिर कल ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तब आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कोई दूसरे नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए ऐसे बने रहिए।